संत कैरेंस हाई स्कूल पटना, द फुल डिटेल ऑफ क्लास 11। तो लेट्स साइन इट। सर जी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम संत कैरेंस हाई स्कूल पटना, वन ऑफ द टॉप स्कूल, सारे डिटेल्स हम रिव्यू करने वाले हैं। बहुत से पेरेंट्स, बहुत से गार्जियंस का ये कॉल आता है, सर प्लीज स्कूल के बारे में बताना आरंभ कीजिए। तो अपने वीडियोज में स्कूल के बारे में ही बताना आरंभ कर रहे हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स ये ऑफर करता है, क्या ये PCB ऑफर करता है, क्या ये PCM ऑफर करता है, क्या ये कॉमर्स ऑफर करता है, क्या ये ह्यूमैनिटी ऑफर करता है, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशंस, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, संत कैरेंस स्कूल, द स्कूल फॉर अदर्स, ऑल द डिटेल्स ऑफ द संत कैरेंस हाई स्कूल, ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब अवर चैनल्स। तो बिना लेट किए साइन करते हैं, फुल डिटेल देखेंगे। वीडियो लंबा होगा लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। तो लेट्स साइन इन। देर किए देखा जाए संत कैरेंस हाई स्कूल। एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है सर? रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर स्टैंडर्ड 11 थ्रू बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द बोर्ड रिजल्ट ऑफ सेशन। ये 21-22 का है, जब आने वाला ये सेशन होगा, दिस करेंट सेशन, देन भी इसका लगभग भी इस तरह का ही रहेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल ऑल्सो भी अवेलेबल इन द स्कूल ऑफिस फॉर द स्टूडेंट ऑफ एनी बोर्ड, CBSE, ICSE। आफ्टर दैट स्ट्रीम कौन कौन से ऑफर करता है सर? तो स्ट्रीम भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत से पेरेंट्स, बहुत से प्यारे प्यारे बच्चे हमारे इन चीज़ों को पूछते हैं कि सर कौन कौन से स्ट्रीम्स या स्कूल्स ऑफर करते हैं। तो अगर स्ट्रीम्स का हम बात करें तो स्ट्रीम जो ये ऑफर करता है वो साइंस स्ट्रीम ऑफर करता है, ये PCM यानी फेस केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, PCB फेस केमिस्ट्री बायोलॉजी। स्कूल का फॉर्म संत कैरेंस हाई स्कूल, डायरेक्ट एडमिशन होगा, कैटेगरी 1 यहाँ पे दिया हुआ है। मिनिमम 80% मार्क्स इन साइंस एंड मैथ, आई रिपीट 80% मार्क्स चाहिए साइंस में और मैथ में इन बच्चों का जो संत कैरेंस स्कूल में पढ़ते हैं उनका वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होगा। अगर कोई बच्चे बाहर के हैं, अदर स्कूल के हैं, तो उनको 90% मार्क्स लाना होगा, देन ही और सी गेट द एडमिशन इन द संत कैरेंस हाई स्कूल। अगर कॉमर्स की बात करें तो अगर संत कैरेंस के बच्चे पढ़े लिखे हैं, दोज स्टूडेंट हुआ द स्टूडेंट ऑफ संत कैरेंस हाई स्कूल्स, 70% मार्क्स इन इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड SST। आई रिपीट 70% मार्क्स चाहिए बच्चों, ऐसे बच्चों को जो संत कैरेंस में पढ़ते हैं इंग्लिश के लिए, मैथ्स और SST में। देन इन थ्री सब्जेक्ट्स इफ ही गॉट 70% मार्क्स, देन श्योरली ही और सी गॉट एडमिशन इन संत कैरेंस हाई स्कूल। अदर स्कूल अगर हम बात करें तो 80% मार्क्स चाहिए इंग्लिश में, मैथ्स में और SST में। नेक्स्ट थिंग इज ह्यूमैनिटी, इसको हम लोग आर्ट्स बोलते हैं। अगर संत कैरेंस का बच्चा है तो 70% मार्क्स आना चाहिए, स्पेशली इन इंग्लिश एंड SST। अदर स्कूल के बच्चे हैं तो उनको 80% मार्क्स चाहिए इंग्लिश और SST में, ऐसे बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन होता है ह्यूमैनिटी में थ्रू रिटन एग्जामिनेशन, दैट इज कॉल्ड कैटेगरी 2। अगर इसका बात करें जो कि इंटर एग्जामिनेशन के बेसिस पे होता है, उनको अगर साइंस में लेना है एडमिशन तो 70% अगर संत कैरेंस के बच्चे हैं तो ऐसे बच्चों को 70% मार्क्स आना चाहिए साइंस और मैथ्स में। फॉर एग्जांपल अगर 200 का एग्जाम आप लेके अप्रॉक्स चलते हैं हम लोग साइंस और मैथ्स का, और 200 का 70% यानी 140 अगर उनको मार्क्स आता है, देन ही और सी इज एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन संत कैरेंस हाई स्कूल, ऑल दो सी इज द और ही इज द स्टूडेंट ऑफ संत कैरेंस हाई स्कूल। 70% मिनिमम मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अगर अलग स्कूल के हैं, अदर स्कूल से आपने स्कूलिंग किया है, इन क्लास 10th किया है, देन ऑल्सो यू गॉट 70% मार्क्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी सिट इन द एग्जाम इंटर एग्जामिनेशन फॉर्म PCM, PCB। कॉमर्स की अगर बात करें, अगर संत कैरेंस से आपने पास आउट किया हो, 61% आपको चाहिए इंग्लिश, मैथ्स और SST में। और आप नेक्स्ट अलग स्कूल से आपने पास किया है तो 61% सेम मार्क्स यहाँ पर है। ह्यूमैनिटी अगर बात करें, संत कैरेंस से आपने पास आउट हुआ तो 61% इंग्लिश और SST में आपको मार्क्स चाहिए। और आपने अदर स्कूल से स्कूलिंग किया है, देन अगेन 61% मार्क्स। द स्टूडेंट विल हैव टू बी accompanied बाई देयर पेरेंट्स मदर एंड फादर फॉर द सेड इंटरव्यू टेस्ट इफ रिक्वायर्ड और कॉल्ड फॉर। अगर जरूरत हो, स्कूल को ऐसा मालूम लगे कि उनको इंटरव्यू लेना हो, तो स्कूल से इंटरव्यू भी कनेक्ट करा सकते हैं, जिसमें उनके माताजी और पिताजी दोनों का आना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। यहाँ पे स्टूडेंट हुए ऑप्ट नॉट गिवन द कंप्यूटर स्टैंड एग्जाम स्टैंडर्ड 10 विल नॉट बी गिवन कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट। अगर जो बच्चों ने कंप्यूटर एग्जाम क्लास 10th में एज ए सब्जेक्ट नहीं दिया है
तो वो 11th में वो सब्जेक्ट्स को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं जो कि प्रीवियस ईयर का डेटा है बच्चों। इस साल का जो डेटा आएगा उस पर भी हम लोग का पूरा जो रहेगा माइक्रो डिटेल्स हम करेंगे, माइक्रो उस पर हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, माइक्रो रिव्यू करेंगे और हर एक पॉइंट्स को बताने का प्रयास करेंगे। एडमिशन कांट बी क्लेम्ड एज द मैटर ऑफ राइट इवन इन द इवेंट ऑफ ए स्टूडेंट मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ रिक्वायर्ड परसेंटेज फॉर एडमिशंस। It is absolutely mandatory for a student of all the category to appear for the interview test. जो वहाँ पे इंटरव्यू टेस्ट होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है, हर एक बच्चों को वहाँ पे अपीयर होना है। इट इज़ मैंडेटरी, जरूरी है, आवश्यक है ये। द स्टूडेंट विल हैव टू बी अकॉम्पनीड बाय देयर पेरेंट्स फॉर द सेम इंटरव्यू टेस्ट। ए स्टूडेंट हु हैव नॉट गिवन द कंप्यूटर एग्जाम इन क्लास 10th विल नॉट बी गिवन कंप्यूटर सब्जेक्ट। मैंने बोल ही दिया मैंने पहली वाले बातों में, एडमिशन कांट बी क्लेम्ड एज द मैटर ऑफ राइट इवन इन द इवेंट ऑफ ए स्टूडेंट पासिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू। द मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू डिनाई एडमिशन टू एनी कैंडिडेट विदाउट असाइनिंग अप द रीजन एंड नो क्लेम विल बी एंटरटेन दिस रिगार्ड। तो उसके बाद हम देखा जाए सबसे बड़ी बात क्या निकल के आती है कि कौन कौन से स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करते हो तो आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी मिलेगा। इसको पीसी और पीसीबी कहते हैं हम लोग, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और पीसीबी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करना चाहते हो तो इंग्लिश, मैथ्स और सोशल स्टडीज आपको मिलेगा वहां पे। और आप आर्ट्स स्ट्रीम ऑफर करना चाहते हैं या ऑप्ट करना चाहते हैं तो वहां पे इंग्लिश और सोशल स्टडीज एसएस आपको वहां पे मिलेगा। स्टूडेंट हु हैव बीन पास द बेसिक मैथमेटिक्स दैट इज कोर इज 241 एट सेकेंडरी लेवल आर नॉट एलिजिबल टू ऑफर द मैथमेटिक्स एट द सीनियर सेकेंडरी लेवल। जिन्होंने दो तरह के एग्जामिनेशन आजकल होते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स। उन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स ऑप्ट किया है कोड 241 अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड, वो सीनियर सेकेंडरी में मैथ्स ऑप्शन नहीं ऑप्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द टेस्टिंग द सब्जेक्ट नॉलेज फॉर द कैंडिडेट फॉर द करिकुलम ऑफ द क्लास 9th एंड 10th क्वेश्चन विल ऑल्सो बी आस्क्ड टू एक्सेस द सोलिस्टिक एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट्स। क्वेश्चन 9 से भी आते हैं, 10 से भी आते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े हटके भी रहते हैं। इफ़ यू वांट टू गॉट इनरोल्ड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। बिहार से बहुत सारे बच्चे हमारे कोर्सेज में इनरोल हैं, दे आर एंटरटेनिंग आवर कोर्सेज विद अ वेरी नॉमिनल चार्ज। ज्वाइन अस एंड बी इन द पटना स्टॉप स्कूल। प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। जो बच्चों का सिलेक्शन होगा उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा एंड पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड हैड टू बी प्रेजेंट एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। जो भी बच्चों का सिलेक्शन उस स्कूल में होगा उन बच्चों के पेरेंट्स यानी माता और पिता को भी उस अमुख स्कूल में अमुख दिन आना होगा। दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी एंड मैंडेटरी। एडमिशन विल बी डन एज पर द नंबर ऑफ सीट अवेलेबल कंपेरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ इच इंडिविजुअल। तो मैं हमेशा ये बोलना चाहूँगा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने, चूंकि टुडेज एरा टुडेज टाइम व्हाट इज थिंग मनी इज नॉट पावर, नॉलेज इज द पावर। तो यहाँ पर नॉलेज आपको होगा, कोई भी एडमिशन का फॉर्म आपका नहीं छूटे, इसलिए हम लोग हमेशा आपके लिए एक्टिव हैं। इसके बाद अगर नया टॉपिक देखा जाए नेक्स्ट पेज, तो अगर हम देखें कि सर सब्जेक्ट्स क्या क्या ऑफर किए जाते हैं, ए साइंस स्ट्रीम अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो कंपलसरी में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दैट इज कॉल्ड पीसीएम एंड सेकंड वन बी दैट इज कॉल्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको पढ़ना होगा, या आपके मर्जी पे है। इंग्लिश इज मैंडेटरी, ऑप्शनल में आपको मिलेगा। अगर मैथ्स ऑप्शन कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। एनी वन एक सब्जेक्ट को आप इसमें से चूज कर सकते हो। अगर आप नेक्स्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से मैथ्स इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस फिजिकल एजुकेशन या पेंटिंग आप इसमें ऑप्ट कर सकते हैं। 6 सब्जेक्ट जो है वो फिजिकल एजुकेशन या पेंटिंग, और ये जो है ऑप्शन सब इसमें कंपलसरी नहीं है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद हम साइंस करने के बाद कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो इंग्लिश इज मैंडेटरी। इसके बाद आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स में यहाँ पे बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स मिलेगा। उसके बाद आप ऑप्शनल में या तो मैथ्स या इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस ले सकते हैं। अगेन 6 सब्जेक्ट में फिजिकल एजुकेशन या पेंटिंग है आप ले सकते हो यहाँ पर। उसके बाद हम बात करें ह्यूमैनिटी दैट इज कॉल्ड आर्ट्स दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी मैंडेटरी। ह्यूमैनिटी के बारे में क्या करें सर, तो ह्यूमैनिटी का हम चर्चा करने का प्रयास करें तो ह्यूमैनिटी में इंग्लिश तो मैंडेटरी है ही। आफ्टर दैट सोशियोलॉजी, हिस्ट्री या पोल साइंस। जनरली संत कैरेंस में इस तरह की पढ़ाई होती है जो पिछले साल का डेटा है। इस साल क्या क्या चेंजेस होती है आने वाले न्यू वीडियोस में हम बताने का प्रयास करेंगे। पिछले अनुसार लगभग जो बहुत से बच्चों का डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस कंपलसरी सब्जेक्ट में आते हैं। ऑप्शनल में आप इकोनॉमिक्स, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, फिजिकल एजुकेशन या पेंटिंग ऑप्ट कर सकते हैं। 6 सब्जेक्ट में आप फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट कर सकते हैं या पेंटिंग ऑप्ट कर सकते हैं। 6 सब्जेक्ट विल बी गिवन टू ओनली दोज हु हैव नॉट टेकन फिजिकल एजुकेशन पेंटिंग एज देयर 5th ऑप्शनल सब्जेक्ट।
तो ऐसे बच्चों को जो कि पेंटिंग और फिजिकल एजुकेशन उन्होंने फिफ्थ में ऑप्शनल में नहीं चूज़ किया है, सिक्स सब्जेक्ट उन्हीं को ही मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। यहाँ पे हम लोगों ने हर एक डाउट को क्लियर करने का प्रयास किया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ह्यूमैनिटी में कौन कौन सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं, कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं, पीसीएम में ऑप्शनल में क्या दिया जाता है, पीसीबी में ऑप्शनल में क्या दिया जाता है, किस तरह के परसेंटेज ऑफर किए जाते हैं, इस तरह की बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है। इफ यू गॉन्ट टू गॉट एनरोलमेंट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कॉल एंड ज्वाइन एज फास्ट एज पॉसिबल इन द पटना टॉप स्कूल। सो थैंक्स, लेट्स साइन आउट।